हम भले ही आज चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन सामाजिक कुरीतियों से आज भी हमारा समाज इतनी बुरी तरह जकड़ा है, जहां आधुनिकता और बराबरी के अधिकार दम तोड़ते नजर आते हैं, ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था का शिकार हुई हैं कौशल पवार, जो हरियाणा के एक बाल्मीकि समाज से आती हैं। जातिवाद का भयानक चेहरा कौशल पवार की कहानी में झलकता है। उस वक्त जब बचपना होता है, बिल्कुल उस वक्त नहीं पता होता कि ये सब क्या है, तो मैंने सभी बच्चों के साथ साथ संस्कृत में मैंने भी नाम लिखवा लिया। लेकिन जब मैं क्लास में गई संस्कृत वाली में, हमारे जो टीचर थे उन्होंने मुझे एकदम बड़ा खराब सवाल किया, तो मुझे एक अंदर से टीस महसूस हुई। मुझे ये लगा कि कुछ तो वजह होगी। मेरे लिए सबसे बड़ा ये था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ सकती, क्यों नहीं पढ़ सकती? अगर इसको मैं नहीं पढ़ सकती तो मुझे यही पढ़ना है। सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के इनके संघर्ष को आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में प्रमुखता से दिखाया गया था। आज भले ही हम महिलाओं के प्रति बड़ी बड़ी बातें करते हों, लेकिन हकीकत शायद उसके कहीं कोसों दूर है। आज लड़कियां हर एक क्षेत्र में हैं। वो कॉल सेंटर में भी काम करती हैं, एयर होस्टेस भी हैं, पुलिस में भी हैं, हमारे मतलब मीडिया में काम करती हैं महिलाएं, हर तरह के वर्ग में। महिलाओं को जब भी कोई अवसर दिया गया, उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता से, कर्मठता से हर मुकाम को हासिल किया है। कौशल पवार हरियाणा के एक बेहद गरीब परिवार से आती हैं। घर की माली हालत ऐसी नहीं थी, गुजारा बमुश्किल होता था, लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी के हौसले को कम नहीं होने दिया। वो हर मुश्किल घड़ी में अपनी बेटी के साथ खड़े दिखाई दिए, जब समाज उनके सामने तरह तरह के रोड़े अटका रहा था। आज अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ता की वजह से कौशल पवार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आज भी छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए दूसरे लोगों के लिए ये एक मिसाल हैं। तो ये थी डॉक्टर कौशल पवार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अर्चना श्रीवास्तव, DD News, दिल्ली।